सिटीजन रहने के बाद हिमाचल प्रदेश में कितने लोग अभी भी मिसिंग हैं, कितने स्ट्रैंडेड हैं, जो राहत कार्य बचाव कार्य चल रहा है किस तरह से? देखिए, राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है, वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे। और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है, मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं। और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसमें वो हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजना सब बह चुकी है। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी डेड बॉडीज को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो हाँ अभी स्पोर्ट पर भी है। अभी भी सर 49 के आसपास मिसिंग है? हाँ, अभी 49 के करीब मिसिंग है, पर और भी कुछ सूचनाएं आई है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि पिछली रात से कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है और आज थोड़ा सा मौसम खुला है, तो और युद्ध स्तर पर हम इस कार्य को कर रहे हैं। आखिर में सर, होम मिनिस्टर से भी आपकी बातचीत हुई और केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी आश्वासन दिया है मदद करेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या मांग करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मदद नहीं मिल पाई? नहीं, निश्चित तौर पर अभी तो हमारा मेन उद्देश्य तो है कि जो जाने चार अभी लोग फंसे हुए हैं उनको हमने बचाने की सवेरे से प्रयास किया था, कल वो निकल नहीं पाए थे, आज हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो डेड बॉडीज डेब्रिस में दबी हुई है उनको निकाला जाए। और भगवान से ये है कि अभी बारिश नहीं आ हो तो हम क्लाउड बस्ट वाले जो एरिया है उसमें हम समीक्षा भी कर रहे हैं कि आगे हमने कैसे इस चुनौती को लड़ना, जो बरसात देर से शुरू हुई है। तो मेरा मानना है कि इस दृष्टिकोण से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अधिकतर सड़कें खुल गई हैं, टूरिस्ट से क्या अपील करेंगे? नहीं, टूरिस्ट से मैसेज भी जाता है। नहीं, टूरिस्ट को टूरिस्ट आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नदी नालों के पास ना जाएं और ना सेल्फी खिंचवाने के ऐसे प्रयास करें, क्योंकि कई बार अचानक झटका लग जाता है और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। आए और मनाली की अभी सड़कें टूटी हैं, मनाली में कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, हमने टेम्परेरी रोड को भी जोड़ दिया है। तो ये बरसात के समय पहाड़ कहीं भी हो, हमारा नहीं है, पूरे पहाड़ी क्षेत्र जो भी है, चाहे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, थोड़े बहुत लैंडस्लाइड होते रहते हैं जिसके कारण सड़कें भी अवरुद्ध होती है, पानी की योजनाएं भी अवरुद्ध होती है। लेकिन क्लाउड बस्ट एक चिंता का विषय है, भारत सरकार को भी इसको अध्ययन करना चाहिए, हमारी सरकार तो इसको अध्ययन कर ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।